ये रहा चित्तल का एरिया, ठीक है। देखिए ये रहा, चित्तल जिसको स्पॉटेड डियर बोलते हैं, ठीक है। राजगीर जू सफारी में भी ये आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ भी विजिबिलिटी बहुत अच्छा था। उस सामने यहाँ रखा इस तरीके का, देखिए। और ये रहा हमारा फिशिंग कैट का एरिया, और सामने देखिए बैठा हुआ ऊपर चढ़ के, देखिए। तो ये चिड़ियाघर के अंदर में इस तरीके का एक छोटा सा आपको कैफे टाइप का मिल जाएगा, दुकान बोल दीजिए जो बोलिए। यहाँ पे देखिए कितना प्यार से लिखा हुआ है, आइए साहब। देखिए आपको यहाँ से हम क्लियर व्यू दिखा रहे हैं राइनो का, और ये रहा हाथी, और सामने आप देखिए। चलिए तो बाघ को देखते देखते यहाँ पे हमें सामने बोर्ड दिखा है, स्नैक हाउस। यहाँ पे काला तेंदुआ ब्लैक पैंथर का बोर्ड लगा हुआ है, और इस साइड तेंदुआ देखिए सामने दिख रहा है, हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जू के पास, और ये रहा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि सोमवार को चिड़ियाघर बंद रहता है, थोड़ा सा क्राउड आज ज्यादा है संडे को लेके, और पर फिर भी हम चलेंगे। और सामने ये रहा पटना का जो चिड़ियाघर है उसका मेन गेट एंट्रेंस रहा, ठीक है। और इस तरीके से आपको बाहर में थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड या फिर जो भी होगा लेज चिप्स का दुकान, आइसक्रीम वगैरह का आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अंदर देखते हैं, एंट्री गेट मुझे दिख गया है, और अंदर चलते हैं, टिकट वगैरह देखते हैं। वैसे पता किए तो 30 रुपीज पर पर्सन एंट्री टिकट है एडल्ट। तो चलिए टिकट फिलहाल निकालते हैं और फिर अंदर चलते हैं। तो एक टिकट काउंटर इधर दिख गया, 3 नंबर और 4 नंबर, तो इधर हम चलते हैं और टिकट निकलवाते हैं। चलिए सामने देखिए लिखा हुआ है कोई कतार में नहीं, चलिए टिकट। और फिलहाल टिकट ले चुके हैं 3 नंबर काउंटर से, और टिकट का प्राइस पड़ा है 30 रुपीज। तो चलिए अब इसको स्कैनिंग कराते हैं और अंदर चलते हैं। तो फिलहाल उस साइड से जाना होगा, चलिए चलते हैं इस साइड। पटना का चिड़ियाघर पूरे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे और हम आ चुके हैं अंदर पटना चिड़ियाघर के जस्ट अंदर। अभी यहाँ पे हमने टिकट चेक करवाया है, और देखिए टिकट में इस तरीके से कुछ थोड़ा सा ये लोग फाड़ दिए, और अंदर आ चुके हैं। थोड़ा सा मौसम आज खराब है, बारिश टाइप का हो रहा है, हल्का हल्का बूंदा बूंदी, पर ठीक है, घूमने के लिए तो एक नंबर मौसम है, थकेंगे नहीं, पसीना वगैरह आएगा नहीं। और इस तरीके से देखिए आपको अभी जस्ट हम वहाँ से इन किए, ठीक है। बाकी हम आपको अंदर से थोड़ा सा गेट दिखाएंगे, देखिए। और यही एग्जिट का है, इस साइड से वापिस जाने का होता है, इसीलिए लिखा हुआ है थैंक्स विजिट अगेन, धन्यवाद पुनः पधारे, इस तरीके से। चलिए और देखिए यहाँ पे सेम एज लाइक जैसे कि हमने आपको विशाखापट्टनम में दिखाया था, सेम यहाँ पे भी संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना का ये मैप है। और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं नंबर 1 LTM मॉन्की, ये सब सेक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए नंबरिंग दिया हुआ है, LMT मंकी, लंगूर, ऑथेंटिक लायन, लायन, टाइगर, 1, 2 बियर, इस तरीके से लास्ट 39 में लियोपार्ड है, और फिर 40 से इधर चिंपांजी शुरू होता है, और इधर डायरेक्टर रेसिडेंस, साइकिल स्टैंड, वेटनरी हॉस्पिटल वगैरह अप टू लास्ट, यानी पूरे इस लेआउट में 53 स्पॉट को इंडिकेट किया गया है, ठीक है। और सामने देख लीजिए ये टिकट काउंटर हो गया, जो कि ये गाड़ी का हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक कार का इस तरीके का यहाँ पे टिकट काउंटर है। फिलहाल हम लेंगे नहीं, पर हम डेफिनेटली पूछेंगे, भैया टिकट कितना प्राइस है? 55 रुपए पड़ता है पर पर्सन के लिए। पर पर्सन
55 रुपीज़। ओके, बहुत सारा इसमें है भी, 600 का रिजल्ट भी है। अच्छा, 600 का भी है, ऐसे सब अपने पार्ट बाई पार्ट है, बॉटनिकल अलग है, जूलॉजिकल अलग है। अच्छा अच्छा, एक आदमी का बताइए, एक आदमी का 55 रुपया है। चलिए ठीक है, थैंक यू भैया। तो जैसा आपने देखा कि अंदर वो 30 रुपये का एंट्री टिकट लेके आप चाहोगे तो इस बैटरी कार से आप अगर जो पूरा विजिट करना चाहते हो तो आपको 55 रुपीज़ पर पर्सन देना होगा। उसके अलावा आप अगर जो चाहते हो रिजर्व करना, ठीक है, वो गाड़ी को कम्प्लीटली, तो उसके लिए 650 इस तरीके से चार्ज है, तो वो करना होता है। ठीक है, फिलहाल बारिश के कारण, हवा के कारण इस तरीके से देखिए पूरा पत्ता ऐसा बिखरा हुआ है, फिर सफाई के लिए लगे हुए हैं भैया। कार आपको इस तरीके से मिल जाएगा, बैटरी कार देखिए यहाँ इस तरीके से, ठीक है। और सामने बोर्ड दिख गया है, तो ये बोर्ड को हम देखेंगे, चिंपांजी आगे जाएगा, शॉप आगे है, मिल्क पार्लर, वाइट पी फॉल वगैरह जो भी है, पिकॉक वगैरह जो है, स्टार टूरिज्म आगे है। तो आगे हम लोग इस रास्ते को फॉलो करके चलते हैं। बाकी संडे है तो आप देख सकते हैं विजिटर्स लोग किस तरीके से आ रहे हैं। चलिए, और सामने देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है तेंदुआ, सिंह, बाघ और भालू इसी रास्ते में मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ कंफर्म कर दे, ये जूलॉजिकल पार्क है और राजगीर में जो था वो सफारी था, ठीक है। तो उसमें जानवर खुले में थे और इंसान पैक था, इसमें जानवर पैक रहेंगे और इंसान खुले में रहेंगे, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे काला तेंदुआ ब्लैक पैंथर का बोर्ड लगा हुआ है और इस साइड तेंदुआ देखिए सामने दिख रहा है, हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। देखिए आपको जूम करके दिखाते हैं, थोड़ा सा दूर में वो है बैठा हुआ, वाह देखिए। चलिए, तो हम लोग पहला जानवर जो था वो ब्लैक पैंथर देखे और दूसरा बोर्ड हमें यहाँ पे दिखा है चिंपांजी का। बाकी आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ से तो बाउंड्री दिखेगा नहीं, आगे चल के आगे से देखते हैं चिंपांजी को। मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल में से एक इसको माना जाता है। एरिया ठीक ठाक है, देखिए सामने एक ऊपर बैठा हुआ है और एक उसके जस्ट नीचे, थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए ठीक है, जंगल एरिया टाइप का है, आपको जंगल जैसा भी फील होगा, देख लीजिए इस तरीके का, ठीक है। अभी हम एक इस तरीके का बना हुआ प्लेटफॉर्म है, ऊंचा जगह जहां से कि विजिबिलिटी ऑफ एनिमल इस तरीके का है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से जानवर नेक्स्ट हमारा स्टेप में दिखता है। चलिए, और देखिए इस तरीके का, आपको अगर जो चलते चलते थोड़ा थक गए हैं तो बैठने का भी इस तरीके का बना हुआ है। फिलहाल यहाँ पे देखिए फिर एक जो इलेक्ट्रिक कार है यहाँ पे लगी हुई है, विजिटर्स उतर के देख रहे हैं। सामने केव में हमें वल्चर दिखा है, गिद्ध दिखा है जी, हिमालयन केफ्रॉन गिद्ध, ठीक है। चलिए बोर्ड थोड़ा सा पहले देखते हैं, यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, हिंदी और इंग्लिश साथ में स्कैनर है, तो आप चाहो तो जिस लैंग्वेज का यूज करके आप यहाँ पे पढ़ो। और सामने देखिए वल्चर है, गिद्ध, थोड़ा जूम करके हम आपको दिखाते हैं। एक दो और तीन, तीन फिलहाल मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, थोड़ा सा हम नजदीक चलेंगे। देखिए नेट थोड़ा सा दूर है, इसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, पर आपको हम क्लियरिटी कोशिश करेंगे दिखाने का। देखिए ये हो गया अपना हिमालयन वल्चर गिद्ध। तो अभी एंट्री किए हुए 10 से 15 मिनट हुआ होगा, गेट के पास ही हमें वल्चर मिल गया, ब्लैक पैंथर मिल गया और चिंपांजी मिल गया, तो तीन और अच्छा दिखा और हम आपको भी दिखाए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हम बताए मौसम थोड़ा सा सुहाना बोल सकते हैं, बारिश हल्का हल्का हो रहा है, तो बाकी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट जो भी मिलता है। चलिए चलिए, ये लायन केव हुआ और सामने रहा लायन। ओहो, ओरिजिनल लायन है ये, ओरिजिनल नहीं, ये डुप्लीकेट लायन है, ठीक है। चलिए ओरिजिनल आगे देखते हैं,
ये रहा देखिए लायन, आपको दिखा देते हैं फिलहाल, इसी लायन को देखिए। और कुछ लोग लायन के साथ डायरेक्ट सेल्फी भी ले रहे हैं, ठीक है, इतना हिम्मत ये कर दिए, बताइए। चलिए फिलहाल ओरिजिनल लायन को देखते हैं, दिखता है कि नहीं कहाँ पे वो है। ओ देखिए वो पुल के ऊपर बैठा हुआ है, थोड़ा हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको, इतना दूर बनाया गया है, देखिए पोज देके बैठा हुआ है और एक ही है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों का भीड़ और बाघ का फोटो क्लिक करते हुए लोग यहाँ पे। चलिए फिर आगे चलते हैं और आपको हर कुछ मीटर पे इस तरीके का आपको पटना जू का बोर्ड दिख जाएगा, ठीक है, उसमें आपको इंडिकेशन वगैरह गए, इसमें सुंदर रखे, क्लीन रखे, ठीक है, गंदगी ना फैला, इस तरीके का बोर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक। उन्हें पता है कि आप इंसान हो, ऐसा करोगे नहीं, पर उसके बावजूद इस तरीके का इंडिकेशन लगाना, तो आप समझ सकते हो। और ये रहा बाघ के बारे में, ठीक है, जो कि एक बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। सामने देखिए उसका, इस तरीके का सामने देखिए आपको, वो सोया हुआ है एकदम जस्ट सामने, थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं, देखिए देखिए। चलिए तो बाघ को देखते देखते यहाँ पे हमें सामने बोर्ड दिखा है, स्नैक हाउस, सांप घर जाने का रास्ता, सांप के घर जाने का रास्ता में हम लोग अभी चलेंगे और आपको भी हम दिखाएंगे कि सांप एक्चुअली में है कौन, कौन कौन सा सांप है। तो इस तरीके से देखिए सेट बना हुआ है, ठीक है, और चलते हैं, शायद सांप दिख जाए तो बहुत अच्छा। चलिए तो ये दूसरा कंपार्टमेंट हो गया एरिया, ये एक एरिया था जहाँ से हम लोग अंदर आए हैं और यहाँ पे फिर एक गेट था और इस तरीके का देखिए बना हुआ है हॉल जैसा, ठीक है। देखिए आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट, अगर जो सांप काट ले तो प्राथमिक उपचार में क्या क्या आप कर सकते हैं, इस तरीके का बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है। और सांप को जैसा कि दोस्त थोड़ा सा वार्म कंडीशन चाहिए, उसके लिए देखिए ये लोग लाइट वगैरह अच्छे से लगा के रखे हैं, ठीक है, अभी तो नहीं दिखा। वाह सामने देखिए अजगर का बोर्ड यहाँ पे है और अजगर सामने रहा है गाइस, जूम करने का तो जरूरत ही नहीं है, बहुत ही मस्त दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, बड़ा है। और ये रहा इसका टेल एरिया, तो देखिए इस तरीके से ये राउंड बना के घुमा हुआ है, ठीक है, अजगर। तो उधर उधर हम लोग को दूसरा बोर्ड दिखा, फिर यहाँ पे देखिए कोबरा है, ठीक है, इंडियन कोबरा, और कोबरा रहा सामने, देखिए जूम करके दिखा रहे हैं आप, देखिए इस तरीके से बैठा हुआ है, ठीक है, सबसे विषैला सांपों में से एक है ये, ठीक है, कोबरा सांप, जिसको हिंदी में गेहूमन बोलते हैं और नाग भी बोलते हैं। आप अपने लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपना रहा देखिए वाइपर रसेल, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है और रसेल सामने रहा, देखिए लाइट के कारण थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं जूम करके, रुकिए देखिए ये रहा वाइपर रसेल, अच्छा बड़ा है, मोटा भी है और सामने रहा ये। ये रहा धामिन सांप, ठीक है, जानवर इस तरीके से एक्टिव में रहते हैं तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, आपको भी दिखाने में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये सेटिस्फाइड किया, और एक रहा अंदर सोया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए फिर से वापिस इस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे एक अजगर दिखा गया जो कि देखिए इस तरीके के कुछ पोज में खड़ा है, पहले तो मुझे लगा ये मतलब इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन ये ओरिजिनल है, ठीक है, एक देखिए अंदर है और दूसरा इस तरीके से ऊपर चढ़ के सांस ले रहा है शायद। तो ये कंप्लीट हुआ अपना जो स्नेक हाउस था इस तरीके से, ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए
एंट्रेंस गेट पे इस तरीके से पंचमुखी नाग का फोटो बना हुआ है, आप यहाँ से भी अंदर जा सकते हैं। हम फिलहाल उस गेट से अंदर आए थे और इस साइड से निकल गए। चलिए चलिए हमारा नेक्स्ट केज इस तरफ है और सामने हमें पेड़ पे कुछ इस तरीके से देखिए पॉट गमला दिखाई दिया गाइस, जो कि कलरफुल में है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हट बना हुआ है झोपड़ी जैसा, सामने इस तरीके का बना हुआ है। और मुझे जहाँ तक जानकारी है पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के द्वारा इस तरीके को न्यू ईयर में डेकोरेट किया गया था। हम एक वीडियो में ऐसा देखे थे, ठीक है, न्यू चैनल पे आया था तो हम देखे थे, शायद वो यही स्पॉट है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे चलते हैं और देखते हैं। सामने देखिए एक बहुत बड़ा एंट्री गेट बना हुआ इस तरीके से, जिसपे उल्लू का इस तरीके से बना हुआ है और सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है नॉक्टुरियल हाउस निशाचर गृह। ठीक है, ये 22 जून 2017 को आई थिंक ये बना है या क्या हुआ है। चलिए फिलहाल अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। देखिए लोग कंटिन्यू आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और ये रहा एंट्री गेट। फिलहाल अंदर चलते हैं और देखिए केव बना हुआ है सामने, शायद इसमें कुछ दिखे, चलिए देखते हैं। देखिए इस तरीके से एरिया बना हुआ है हर एक के लिए, देखिए लिखा हुआ है, अच्छा ऊपर बैठा हुआ, देखो थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, लाइट इस तरीके का है। चलिए आगे आते हैं, देखिए वहां पे आपको सामने दिख जाएगा उस ऊपर बैठा हुआ है, दो दो है रहा फिश ऑल, देखिए सामने बैठा हुआ है, पोज दे रहा है, देखिए मुंडी पीछे किया हुआ है, फोटो जैसे लेने लगे ये पीछे कर लिया मुंडी। हमारा ईगल आउल सामने देखिए बैठा हुआ है, थोड़ा लाइट के कारण वीडियो इस तरीके का आ रहा है। देखिए ये पूरा केज इस तरीके से राउंड जो बना हुआ है पंछियों के लिए है, इसमें आपको स्वैन या डक या फिर देखिए इबिस ब्लैक जो भी है आपको इस एरिया और में दिख जाएगा। बाकी आप यहाँ पे बोर्ड देख लो, ठीक है, देख लीजिए, जांगिल है, कालाबाज है, राजहंस, खीमा, सिलकही, तार बगला, मयूर, सिंकीपर, नील, सिर, हंस और राज घुघू, इस तरीके से बोर्ड आपको दिख जाएगा। और सामने रहा सब देखिए मिला हुआ है, सामने आप देखिए, कम बाइनली इसमें सबको रखा गया है। बाकी देखिए एक वहां पे जांगिल है, सो पंख फैला के इस तरीके से है, देखिए यहाँ पे खाना खिलाने के लिए एक भैया देखिए सामने आ रहे हैं और उसके पीछे देखिए कितना सारा पंछी है, देखिए। और यहाँ पे देखिए मकाऊ बंदर का यहाँ बोर्ड हो गया और वो देखिए सामने हो गया, जाली थोड़ा दूर दूर पे है, देखिए कुछ खाना खा रहा है, देखिए। और सामने देखिए मकाऊ बंदर के बगल में लंगूर का केज है, केज नंबर 12 में, और देखिए ऊपर इस तरीके से रस्सी पे बैठा हुआ है, ठीक है, डबल ट्रिपल इस तरीके से जाली दिया गया है ये लोग के लिए, देखिए रस्सी पे इस तरीके से खड़ा है और एक ही है यहाँ पे, हाँ एक ही है, देखिए मुंह काला इस तरीके से और पूछ देखिए कितना लंबा है, देखिए इस तरीके से हरकत कर रहा है। ये रहा स्टार टर्टल्स, जो कि कछुआ का ही एक किस तरीके का प्रजाति है, और सामने देखिए रहा ये कछुआ, देखिए बहुत सारा, देखिए
देखिए कितना सारा। वाह, तो ये चिड़ियाघर के अंदर में इस तरीके का एक छोटा सा आपको कैफे टाइप का मिल जाएगा, दुकान बोल दीजिए जो बोलिए। यहाँ पे देखिए कितना प्यार से लिखा हुआ है, आइए साहब जी 20 रुपये भर पेट भर भर प्लेट है नाश्ता 20 रुपये में, चटपटी झाल मुढ़ी का व्यवस्था, ठीक है। चलिए फिलहाल अंदर चलते हैं। और ये इसका बोर्ड रहा, चिड़िया खाना नूर है, घूमना जरूर है, चटपटी मशहूर है, खाना जरूर है। इस तरीके से इन्होंने एक कोटेशन लगाया है सामने। और ये रहा दुकान, ठीक है। भैया फिलहाल क्या क्या बना रहे हैं आप यहाँ पे? चटपटी झाल मुढ़ी बन रहा है। चटपटी और? चटपटी झाल मुढ़ी और चना चटपटी बनता है। चना चटपटी और खीरा बनता है। खीरा बनता है, खीरा क्या मतलब? उसमें सलाद बनाते हैं, क्या करते हैं? मसाला लगाते हैं। अच्छा, नमक मसाला काट के देते हैं। खीरा का क्या रेट है अभी? 10 रुपये पीस है। 10 रुपये। और झाल मुढ़ी? झाल मुढ़ी 30 रुपये। 30 रुपये प्लेट। तो फिलहाल मेरे लिए एक खीरा कर दीजिए, अच्छे से उसको धो के काट के, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया लोग भी सामने बैठ के झाल मुढ़ी का आनंद ले रहे हैं। झाल मुढ़ी है भैया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। इधर दीदी लोग भी बैठी हैं। चलिए, तो खीरा अपना कंप्लीट हो गया, ठीक था, 10 रुपये पीस था और फ्रेश था। एक्चुअली ये मेन बात है। वैसे मौसम गर्मी का नहीं है बोले, जैसे कि देखिए इस तरीके का, पर लगा कि नहीं थोड़ा कुछ खाते हैं। तो हमने खीरा कंप्लीट किया है और फिर हम आगे बढ़ते, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। और जो रास्ते में जानवर दिखा या जो भी दिखेगा तो आपको भी हम दिखाते हैं। और देखिए ये रहा हिमालयन काला भालू बोर्ड इस तरीके से, और सामने एक अंदर में छुपा हुआ है और एक उस कॉर्नर में है, ठीक है। तो हम जूम करते हैं, आप थोड़ा सा देखिए। इस तरीके से दोनों एक यहाँ पे अंदर में है और एक वहां पे है। सामने देखिए इमू का बोर्ड है और इमू रहा ये, ठीक है। पहले मुझे लगता था शायद इसी को ऑस्ट्रिच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। ये रहा इमू, देखिए। अच्छा, तो अभी तक के वीडियो में हमने आपको इतना सारा चीज कवर करके दिखाया, ठीक है। भालू हो गया, इमू हो गया, उधर बर्ड्स हो गया, फिर उधर जो नाइट एनिमल था वो हो गया, टाइगर हो गया, चिंपैंजी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हाथी को देखने के लिए, तो हाथी इसी रूट में मिलेगा आगे। और देखिए यहाँ पे फिर से 2-3 इमू उसी केज के अंडर में है, देखिए। आपको यहाँ से थोड़ा सा नज़दीक है तो अच्छे से दिखाते हैं, देखिए। दो उस साइड जा रहा है अभी, देखिए। चलिए यहाँ पे फिर से मोर वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अलग अलग वैरायटी का और अलग अलग पंछी। यहाँ पे सिल्वर फिशेंट का बोर्ड लगा हुआ है सामने, देखिए। और ये रहा अपना पंछी, एक यहाँ पे पंछी है देखिए सामने। और इधर फिर रहा देखिए, देखिए दो वहाँ पे ऊपर बैठा हुआ है इस तरीके से, देखिए। और फिर यहाँ पे ये मोर, एक देखिए सामने वो पंख फैला, अभी नहीं फैलाया हुआ, बहुत बड़ा फैला हुआ था, अभी नहीं फैला रहा है, देखिए। और ये रहा चित्तल का एरिया, ठीक है, केज नंबर 31 याद रखिएगा। और सामने थोड़ा सा दूर में खड़ा है, ठीक है। तो हम उस साइड चल के और आपको दिखाते हैं नज़दीक से, चलिए। देखिए ये रहा, चित्तल जिसको स्पॉटेड डियर बोलते हैं, ठीक है। राजगीर जू सफारी में भी ये आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ भी विजिबिलिटी बहुत अच्छा था। और सामने यहाँ रखा इस तरीके का, देखिए। और ये रहा जेब्रा का एरिया, ठीक है। और चलते हैं अंदर, देखते हैं जेब्रा है या नहीं है। हाँ, ओहो सामने ही रहा, देखिए गाइस।
धारी धार घोड़ा इसको बोलते हैं, एक ही है। हाँ एक ही दिख रहा है यहाँ पे, देखिए बाकी खाली एरिया इस तरीके का है। और ये रहा अपना सामने, और ये देखिए बोल रहा है जंगली बिल्ली का, ठीक है। और ये देखिए सामने, देखिए पता नहीं मिट्टी हटा के वो क्या ढूंढने का कोशिश कर रहा है। देखिए चलिए इस साइड चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ओ देखिए अरे मुंह बाहर निकालिए, पानी के अंदर है। चलिए इसमें देखते हैं। और ये रहा कृष्ण मृग जिसको काला हिरण भी बोलते हैं, ठीक है। सामने केज में रहा, आपको हम जूम करके दिखाते हैं, देखिए देखिए यही है काला हिरण। बोर्ड पे भी है जिराफ, सांबर, गेंडा, मणिपुरी हिरण, सिंगाई हिरण, मगर और घड़ियाल इस एरिया में है। और सामने एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा बोटिंग एरिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। और ये एरिया रहा, आगे हम थोड़ा सा बाद में चलेंगे, पहले इस एरिया को देखते हैं। जबरदस्त व्यू यहाँ से है, थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे। देखिए ओहो गलती आ गए, ये प्लेटफॉर्म है, बाकी आपको बोटिंग करना होगा तो उस एरिया के पास जाना होगा। देखिए वहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म बना हुआ है, बाकी कुछ लोग इस तरीके से बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। देखिए जबरदस्त। चलिए ये जिराफ वाला एरिया में थोड़ा सा चलते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडॉप्टेड बाई SBI पटना सर्किल, ठीक है। मतलब इस जिराफ का खाना पीने का जिम्मेदारी पटना सर्किल का जो SBI का ब्रांच है वो लिया है। और सामने रहा ये अपना जिराफ, देखिए एक दो और एक उस साइड अंदर में है, तीन। और एक देखिए यहाँ पे है, चार जो अंदर जा रहा है, ठीक है। इसको जूम करके आपको दिखाते हैं, देखिए ये रहा जिराफ, छोटा छोटा भी है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है ये। और ये रहा राइनो गेंडा, और देखिए सामने दोनों ऊपर में ही है। चलिए थोड़ा सा हम नज़दीक चलते हैं और जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए 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 आपको यहाँ से हम क्लियर व्यू दिखा रहे हैं राइनो का, देखिए ऐसा लग रहा है कि कुछ ऊपर से जैकेट पहना हुआ है ठंडा के कारण। अगला हाथी भी मिलता। वाह। और यहाँ पे आप आ गया गौर इंडियन बाइसन, देखिए सामने आपको अच्छे से हम दिखाते हैं। देखिए ये रहा गौर, देखिए जबरदस्त। चलिए गौर के बाद यहाँ पे अपने को दिख गया हाथी मेरे साथी, यहाँ पे दो है, छोटा भी है। चलिए थोड़ा सा नजदीक चलते हैं, ये रहा अपना हाथी, देखिए वाह देखिए
एक ये रहा और दूसरा ये रहा, देखिए। और ये लोग वहाँ पे आई थिंक इसको खाना खिलवाने के लिए आए हों। इसके पैर में देखिए सिक्का लगा हुआ है, देखिए, ताकि ज़्यादा नहीं चल सके इधर उधर, देखिए। और ये रहा सस्पेंशन ब्रिज जो कि चिड़ियाघर के अंदर में ही है, ठीक है। चलिए थोड़ा एंट्री करते हैं। नहीं, दिक्कत तो नहीं है। चलिए, नाम ही है सस्पेंशन, देखिए। तो अभी सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करके इस साइड आ चुके हैं। अब इस साइड जाएंगे वो आयुर्वेदिक वाला जो गार्डन है और 3D वीडियो जो हॉल है उधर चलते हैं। बाकी आप इस तरीके का जंगल देख लीजिए, इस साइड पूरा जंगल एरिया है और ये बना हुआ है इस तरीके से पाथ आगे जाने का। तो हम लोग अभी इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। और ये देखिए 3D थिएटर एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर पटना जू, ठीक है। तो 3D वीडियो यहाँ पे दिखाया जाता है, जैसे कि जू सफारी राजगीर में था, सेम तरीके का थीम है। और बाहर आप देख लीजिए 3D ग्लास आई थिंक देगा, उसमें डायनासोर वगैरह के बारे में बताया जाएगा। ये एरिया सामने से आता है और इस तरीके से होके बटरफ्लाई हाउस के बगल से 3D सेंटर की तरफ और आता है। चलिए, ये रहा इसका एंट्री, तो अंदर चला जाए। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे छोटा सा इस तरीके का देखिए म्यूजियम टाइप का, साधारण कैमरा का यहाँ पे इस तरीके का है, देखिए उसके बारे में ये लिखा हुआ है। फिलहाल हम इसमें देखना चाहेंगे। बाबू थोड़ा सा साइड हटो, देखिए लाइट वाइट होगा तो आई थिंक अच्छे से दिखेगा। ये देखिए अनंत सुरंग इस तरीके का बना हुआ है, वाह देखिए जबरदस्त। ये सेंसर के था इस तरीके से, इसके बारे में देखिए यहाँ पे इसका फिजिक्स समझाया गया है, देखिए। चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं, देखिए इस साइड से इसको देखेंगे तो देखिए देखिए आपको दिखाए हैं कितना खूबसूरत पेड़ दिख रहा है, पेड़ के नीचे हाथी वगैरह है। और अब इस साइड आ जाते हैं, इस साइड, अब इस साइड से हम देखते हैं तो देखिए फैक्ट्री दिख रहा है, ऊपर सूरज है, कल कारखाना है और इस तरीके से बाउंड्री किया हुआ है थोड़ा सा और अच्छे से, जी बिल्कुल वही है। तो इस तरीके का इसके पीछे का फिजिक्स इसमें समझाया गया है। बाकी यहाँ पे देखिए जूई ट्रॉप, ठीक है। अब जूई ट्रॉप सिलेंडर के बीच में अपनी आँख को रखते हुए पहिए को जल्दी से नीचे की ओर मोड़े, आपको एक बाघ तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई देगा, देखिए वाह। आपको वीडियो में हम दिखा रहे हैं, जो हम अपने आँखों से देखे वो आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं, देखिए। या स्पीड कर दिया अभी तो और अच्छा हो गया, और स्पीड करते हैं और क्लियर आपको दिखेगा, वाह जबरदस्त। चलिए, तो ये रहा अपना 3D का जो इधर शो होता था, जो भी चीज़ आप यहाँ पे देखे हम भी देखे, देखिए ऊपर भी एक फ्लोर बना हुआ, ऊपर काम चल रहा है कुछ, इसीलिए ऊपर अलाव नहीं हुआ अभी जाने का। चलिए फिर आप बाहर निकलते हैं, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। और ये हो गया अपना रॉक गार्डन जो कि जूलॉजिकल गार्डन के अंदर में ही है। इस तरीके से देखिए बनाया गया है आर्टिफिशियली पहाड़ के जैसा। तो चलते हैं थोड़ा ऊपर, देखते हैं आखिर एक्चुअली में है क्या।
देखिए जबरदस्त, थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा है इस तरीके से, और आपको व्यू दिखा देते हैं यहाँ से। देखिए यही रास्ता से अभी हम जस्ट ऊपर आए हैं, और ये रहा गुफा टाइप का, देखिए इस पे दिख रहा है, देखिए गुफा है ये, तो सर ठीक करके जाना होगा। देखिए ये आर्टिफिशियली ऐसा बनाया गया है, देखिए जबरदस्त। देखिए इस तरीके से निकास यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, और इस साइड पे इधर से हम एंट्री लिए थे। चलिए बाहर निकलते हैं और देखते हैं। देखिए बाहर इस तरीके का सीन है, देखिए यहाँ से भी नीचे उतर सकते हैं और इस साइड भी उतर सकते हैं। तो अभी हम लोग रॉक गार्डन जो था वो देखे, फ्लावर वाला घूम के आए, बटरफ्लाई देखे, बाकी जितने भी जानवर का केव था वहाँ हमने गया, आपको भी दिखाया, 3D वीडियो सेंटर में भी गए थे, और बाहर जो म्यूजियम टाइप का था वो हम आपको कवर किए और आपको दिखाए। बाकी तो 3D मूवी चल रहा था, जो वीडियो चल रहा था उसको हम नहीं दिखा पाए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अंदर गया हुआ था, तो 10 से 15 मिनट बोल रहे थे कि टाइम लगेगा, तो हम बोले चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे आ चुके हैं, और ऑलमोस्ट मान के चलिए 85% टू 90% जू का एरिया हम कवर कर चुके हैं, और अब थोड़ा बहुत कुछ बाकी है तो हम आपको दिखाएंगे और फिर हम आगे निकलेंगे। चलिए फिर देखते हैं। चलिए तो मेडिसिनल गार्डन के अंदर हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्टैचू दिख गया है महर्षि धन्वंतरी का, जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक माने जाते हैं, महर्षि धन्वंतरी, इनका यहाँ पे स्टैचू इस तरीके का लगा हुआ है। और ये रहा एंट्री गेट, और एंट्री गेट से हम अभी अंदर आ चुके हैं। ठीक है, देखिए जलजा मुनि, उसका लोटस लिप्स लिप्रोसी स्किन डिजीज में इसका काम आता है, ऐसे लिखा हुआ है। सतावर फैमिली लिलेसियाई का आता है, अभी ये लगा हुआ ही है, पत्ता अभी नहीं इसमें आया अच्छे से। ठीक है, डायरिया में ये काम आता है। और चलिए इस साइड आते हैं, इस साइड देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मेडिसिनल गार्डन में वो प्लांट का नाम मिल जाएगा, बायोलॉजिकल नेम मिल जाएगा, क्या चीज़ में यूज होता है और कहाँ पाया जाता है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक स्टैचू पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, देखिए यहाँ पे बोर्ड में भी आपको दिख जाएगा, ब्राह्मणी, घृत कुमारी, लौंग, तुलसी, पीपर, सदाबहार, घृत कुमारी, खस, हड़जोड़, वन हल्दी, सतावर, वाँच, इस तरीके से हर बॉडी पार्ट्स के लिए लिखा हुआ है कि कौन से बॉडी पार्ट्स में कोई अगर जो प्रॉब्लम होता है तो उससे रिलेटेड कौन सा आप जड़ी बूटी वहाँ पे यूज कर सकते हैं, इस तरीके का लिखा हुआ है और इस तरीके से बताया गया यहाँ पे। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे मंडुकर्पणी जो, और मेडिसिनल गार्डन के जस्ट इस साइड देखिए चिल्ड्रेन पार्क है, जहाँ पे बच्चे कुछ एक्टिविटी इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का देखिए अच्छा बड़ा एरिया में ये बना हुआ है, तो आप अपने बच्चे को यहाँ डेफिनेटली ला सकते हैं, आराम से इंजॉय करिए यहाँ पे और जू को अच्छे से एक्सप्लोर करिए। चलिए बाकी अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जिट लिखा हुआ है, मेन गेट नंबर 1 मुख्य द्वार इस साइड जाएगा, और यहीं पे हमें दिख गया है जल उद्यान वाटर गार्डन, ठीक है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया था। चलिए चलते हैं, और इस तरीके का देखिए एंट्री है, फूल पत्ती देखिए कितना मस्त एकदम लगा हुआ है इस तरीके से, देखिए जबरदस्त, यहाँ पे गिलहरी है। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ पे देखिए नोटिस लगा हुआ है कि जू वगैरह में फूल पत्ती वगैरह को नुकसान नहीं पहुँचाए, तोड़े नहीं, वरना आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। देखिए सामने इस तरीके का लगा हुआ है, लोग
एंजॉय भी कर रहे हैं। इस तरीके का यहाँ पे बना हुआ है देखिए, और सामने आप देख सकते हैं इस तरीके का एक फाउंटेन चल रहा है। एक तरफ व्हाइट हाथी, दूसरी तरफ ब्लैक हाथी के सूंड से पानी निकल रहा है। ऊपर झरना का थीम इस तरीके से दिया गया है। और इधर अपना लोटस, और इस तरीके से देखिए लोग खड़े होकर फोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं। तो फाइनली पटना चिड़ियाघर का पूरा टूर कंप्लीट हो गया, और हमने एक एक चीज़ को कवर किया इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर कोई बात नहीं, आई होप डेफिनेटली आप इंजॉय किए होंगे। और हर एक चीज़ जो भी अभी नया खुला और फिलहाल जो भी पुराने चीज़ थे, सब कुछ हम लोग अच्छे से देखे हैं और इंजॉय किए। कुछ ऐसा पॉइंट छूट गया होगा या कुछ इस तरीके का लोकेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, और पॉसिबल हुआ तो हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे उस चीज़ों को। और फिलहाल हम आ चुके हैं मेन गेट पे, और देखिए मेन गेट रहा ये सामने से। बाकी आप संडे हैं तो इस तरीके का भीड़ दिख जाएगा आपको। चलिए तो वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, और अब हम बाहर निकलते हैं, कुछ खाना पीना खा के फिर अपना रूम पे जाया जाएगा। थैंक यू गाइस, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।